दोस्तों हाय, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी तो आज सोचा वीडियो ही बना लो, आप लोगों से बात ही कर लो। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा एंड हैप्पी दशहरा। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं एक मोटिवेशनल टॉपिक, जो कि हमारे लाइफ में हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हाँ, अगर हमसे कोई गलती होता है या हमारे ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है तो हम हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं जिंदगी में हम अगर कुछ गलती करते हैं या तो हमारे साथ कुछ नहीं हो पाता तो हम दूसरे का हमेशा जिम्मेदार ठहराते हैं। आखिर जिम्मेदारी कौन है? अगर आप जिम्मेदारी लेना नहीं सीखोगे तो आप खुद कभी भी एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन पाओगे। यानी कि कुछ गलती होता है या कुछ नहीं हो पाता तो आप अपने आप को सुधारो, अपने आप को सोचो कि आप में कौन सी कमियां हैं, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे तो आप कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों हम हमेशा तीन चीज़ों में तो हम लोग बोलते हैं कि ये लोग हमारे लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट तो मम्मी पापा को कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो उसमें अगर मम्मी पापा आपको कहेंगे कि नहीं बच्चा आप रिस्क लेके काम मत करो, आप जो भी करना है घर में रह के करो, तब अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ऐसा होता है कि मम्मी पापा तो आपके बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपका मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि आप दूर कहीं मतलब घर से दूर मत जाओ, आप घर में ही रह के पढ़ाई करो या कुछ काम करना है तो घर के पास ही करो, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो ऐसा होता है कि आप मतलब खुद पर ऐसा सोचते हो कि हाँ मेरा ये नहीं हुआ सिर्फ मम्मी पापा की वजह से। ऐसा हो जाता है बहुत लोगों का। तो दूसरा है एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन में भी ऐसा हो है जो हमारी आजकल ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं सिखाते हैं, वो मेन बात है, और हमें ये नहीं सिखाते कि आप खुद कुछ मतलब सोचो, अपने सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो हम लोग यूज़ नहीं करते। यानी कि हमारा जो भी ब्रेन है ना, जस्ट हमें कोई अगर मैसेज फॉर देता है, मतलब कुछ व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो या कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ अगर हमें मिलता है तो हम उसको अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करते और दूसरों को जल्दी ही फॉरवर्ड कर देते। वो सबसे बुरी बात है, क्योंकि अगर हमें कुछ मतलब कोई देते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसको डायरेक्टली किसी को फॉरवर्ड करके या तो कोई ग्रुप में हम लोग शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और तीसरा है, हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं कि वो हमारे लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पढ़ाई करते हो, मतलब बहुत सारे क्या, आप जितना भी पढ़ाई करते हो उस हिसाब से अगर आप कहीं पे नौकरी ढूंढना चाहते हो तो उसको देने के लिए, आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए बहुत लाखों लोग ऐसे लोग खड़े रहते हैं जिसका सामना आपको करना पड़ता है। यानी कि लाइफ में कंपटीशन में, मतलब जो एग्ज़ाम है वो कंपटीशन में आपको अपने आप को उतारना पड़ता है। तो वही मेन बात है। तो हमें, हम लोग मम्मी पापा को, एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट को हम लोग उसका जिम्मेदार सोचते हैं। पर एक बात आप लोग जानते हो, आप हमेशा अगर कुछ करते हो या आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप पहले अपने आप को बदलो। यानी कि अपने आप को बदलने से ही आप अपने जो दुनिया है या आपका जो काम है उसको आप बदल सकते हो। दोस्तों आप लोग जानते हो आजकल हम लोग कितना बिजी हो गए हैं, अपने काम में हो या तो कुछ भी हो, हम बहुत बिजी है। मतलब हमारे वर्क में तो हम लोग बिजी है ही, पर हम लोग जब घर में रहते हैं तब भी हम लोग बहुत बिजी पर्सन दिखाई देते हैं। यानी कि हमें हमारे फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता है, वो मेन बात है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो हमारे लिए सोचते हैं कि हम उनसे बात करें, उनके साथ रह के कुछ मतलब बात, मतलब अपने आप का जो मन में बात है उसको शेयर करें, पर हमारे पास टाइम नहीं रहता। या तो अगर आपका हस्बैंड हो या आपका वाइफ हो या आपके बच्चे जो है आपके लिए वेट करते हैं कि आप कब घर आओगे, आपसे बात करेंगे, थोड़ा मतलब कहीं भी घूमने जाएंगे, पर अगर आपके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उसका पहला कारण जो है वो है ये जो मोबाइल है। मतलब आप मोबाइल देखो, मोबाइल ज़रूरी है, पर आप जो ये मोबाइल में जो सोशल मतलब मीडिया है जिसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपको मतलब ऐसा अट्रैक्शन हो गया है कि
अट्रैक्शन क्या, मतलब एक सा नशा है कि आप अगर मोबाइल को कहीं दूर में रखते हो तो थोड़ी टाइम बाद उसको फिर से खोलते हो, फिर से उस एप्स को बिना मतलब का खोल के देखते रहते हो कि कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं, किसी ने मैसेज किया कि नहीं। इसीलिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे टाइम हम ऐसे मतलब फिजूल का खर्च कर देते हैं। मोबाइल जरूरी है, सोशल मीडिया भी बहुत जरूरी है, बट उसमें भी आपको टाइम टू टाइम जो आपको चाहिए वो टाइम आप यूज करो, और जो नहीं चाहिए फिजूल का टाइम उसमें बर्बाद करने से अच्छा है आप अपने फैमिली को वो टाइम दो, क्योंकि आपकी फैमिली आपका टाइम से ही आपको मतलब वो हैप्पी रहते हैं, वही मेन बात है। दूसरा जो बात है वो है रिलेशनशिप। आजकल ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप मौसम की तरह बदलते रहते हैं, यानी कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में आते हो तो आप पहले तो ऐसे में दुखी रहते हो कि हाँ मेरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर आपका कोई आ जाता है लाइफ में तो क्यों आया, मतलब उससे कोई अगर मन मुटाव हो गया तो आपको सिर्फ टेंशन ही टेंशन रहता है। अगर वो चला जाता है तब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि वो चला गया लाइफ से, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और इसी को सोचते सोचते आप अपना जो टाइम है उसको बहुत सालों तक बर्बाद कर देते हो, वो मेन बात है। यानी कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में रहते हो तो आप उसको समझो, क्योंकि रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। यानी कि कोई आपसे कुछ कह रहे हैं या कोई आपको नहीं समझ पा रहे तो आप उसको समझाओ, या तो आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अगर आपको पास उसमें अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप जरूर समझोगे। पर उसको मतलब खोने के बाद अगर आप डिप्रेशन में रह के अपना जितना भी टाइम है उसको अगर बर्बाद करते रहोगे तो आपकी लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उससे भी बड़ा काम आपके लिए बाकी है। तो इसीलिए रिलेशनशिप तो ज़रूरी है, और रिलेशनशिप में जब आप रहते हो तो उसमें हमेशा रिस्पेक्ट करो एक दूसरे का, एक दूसरे को समझो, और ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप मौसम की तरह बदलते रहो, यानी कि आज है कल दूसरा मिल जाए तो और उसके बाद तीसरा मिलेगा, क्योंकि एक अगर आप एक को छोड़ के दूसरे के पास जा सकते हो तो दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास भी जा सकते हो। इसीलिए अपने अपने जो मन है ना उसको हमेशा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपके लाइफ में करने के लिए बहुत सारा काम होता है, ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ समय को बर्बाद करते रहो। आपको अपना रिलेशनशिप को समझना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, और उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो और समझो, तब देखना आप भी हैप्पी रहोगे। आपका जब मन हैप्पी रहेगा तब आप कुछ काम भी कर पाओगे। अगर आप सिर्फ मौसम जैसा बदल रहा है, अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश आएगी, थोड़ी देर बाद कुछ आएगा, इसी को सोच के अगर आप उस जगह को ही बदल दोगे या उस इंसान से आप साथ छोड़ दोगे तो क्या होगा, जिंदगी में तो अप डाउन्स आएगी ही, तो वही मेन बात है। एंड थर्ड बात जो है वो है इनोवेशन ना होना, यानी कि हम क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे जो लोग है ना हमारे मतलब वो लोग कभी भी पास में या हम अपने देश में कुछ काम करने के मतलब खुद का कुछ काम या बिजनेस हो कुछ भी वो स्टार्ट नहीं करते, वो हमेशा दूसरी मतलब बाहर में जाके यानी विदेशों में जाके किसी और के लिए काम करते ही वो लोग बाहर जाके विदेशों में जाके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे देश का ही नाम आगे बढ़ रहा है। पर अगर आप सोचते हो कि हमारे देश में अगर हम कुछ खुद का करें तो कितना अच्छा होगा, दूसरों की कंपनियों में अगर हम लोग बड़ा बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम हमारी देश में कुछ अपना मतलब कुछ करके छोटा सा एक मालिक ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद का कुछ आप लोग खुद से कुछ करोगे तो वो उसमें आपको खुद में कुछ हैप्पीनेस भी फील होगा एंड उससे बढ़कर आपको सक्सेस भी फील होगा, तो वही मेन बात है। तो दोस्तों जिंदगी में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग अपने लाइफ में सिर्फ मोबाइल मतलब मोबाइल सोशल मीडिया पे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में मन लगाओ, अच्छे से पढ़ो। मोबाइल इंपॉर्टेंट है पर इतना भी नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स से मतलब अगर पढ़ाई करो तो फ्रेंड्स हो या अपने मम्मी पापा से अगर टाइम नहीं देते हो तो वो बहुत बुरी बात है, तो इसीलिए टाइम देना शुरू करो। अगर हस्बैंड वाइफ हो या बच्चे हैं आपके पास तो आप उसको भी टाइम दो, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपका टाइम उन लोगों को टाइम चाहिए, पैसा तो बहुत मिलेंगे पर टाइम जो है वो जाते रहता है, वो वापस नहीं आता है, तो इसीलिए समय का हमेशा वैल्यू करो। सेकेंड ऑफ ऑल
सेकेंड बात है कि रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है उसको समझो, उसको मौसम की तरह ही बदलते मत रहो। आपको आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा, उसमें ऐसे भागते मत रहो। ऐसे अगर भागते रहोगे तो जिंदगी में सिर्फ भागते ही रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा, वो मेन बात है। तो इसीलिए उसको सोचो, उसके जब आप डिप्रेशन में जाओगे तो आप उस टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे। तो इसीलिए अच्छा है कि आप जिसके साथ हो उसके साथ ही अच्छे से खुश रहो। एंड तीन नंबर जो बात है, जो तीसरा है, वो है इनोवेशन का होना, यानी कि आप अपने देश में कुछ करने की मतलब सोचो, यानी कि आपके अंदर जो प्रतिभाएं है उसको आप दिखाओ, क्योंकि आप भी कुछ कर सकते हो। विदेशों में जाके अगर विदेशी जो कुछ कर सकते हैं तो आप भी उसको कर सकते हो, सिर्फ आपको उसको करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, तो आप उसको जरूर कर पाओगे। तो इसीलिए दूसरों का नौकर होने से अच्छा है कि खुद का देश का छोटा सा मालिक ही बन जाओ। दोस्तों आज का टॉपिक यही तक था, कैसा लगा जरूर बताना। और हमेशा सबसे पहले मेन बात यह है कि अपनी जो गलतियां है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराना, आप जिम्मेदारी लेना सीखो। अगर आप जिम्मेदारी लेना सीखोगे तभी आप एक जिम्मेदार इंसान बनोगे, क्योंकि ये जो समय है वो सिर्फ जाते रहता है। तो इसीलिए जिम्मेदारियां लो तो आपको उस जिम्मेदारियों में जिम्मेदार इंसान अपने आप पे नजर आएंगे। और अपने आप को गलतियां को एक्सेप्ट करो, दूसरों को थोपो मत। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। ऐसे ही हमेशा हंसते रहना। बाय बाय।